पिछले कई सालों से राजनीति में काम कर रहा हूं, मगर इन 3-4 साल के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी ने जिस तरह से एक षड्यंत्र रचा था, मुझे उसी षड्यंत्र का शिकार बनाने के लिए मेरे से पहले जो चुनाव लड़े उनको खत्म करने के लिए मुझे लाया गया। मैं समझ नहीं पाया, पर जब चुनाव का निर्णय आया, आप जितने भी मतदाता बैठे हैं यहाँ, आपने अच्छा आशीर्वाद दिया। चुनाव हारने के बाद जब मैं आपके बीच में आया, तो लोगों ने बताया तो भाई तेरे साथ धोखा हुआ, इन लोगों ने तुझे उम्मीदवार बनाया, मगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही कि तुझे तो कहा चुनाव लड़ और चुनाव अपन पिछली बार भी जीत जाते, मगर इन लोगों ने एन वक्त पर कि भाई कहीं उदयलाल जीत ना जाए तो लास्ट में कह दिया किसी और को हराना है तो कांग्रेस को वोट दिला दिए, इसलिए पिछला चुनाव अपन हारे। मैं जब जनता के बीच गया तो जनता ने कहा कि जिस तरह से आपको 47,000 वोट मिले, अगर हमें पहला पता होता तो हम भी आपको वोट दे देते। मैं उसी उम्मीद के साथ आप सबके विश्वास की से फिर से मैदान में डटा रहा और मेहनत पे मेहनत करता रहा, मगर मैंने जिंदगी में कभी हार नहीं मानी। मगर जब पंचायती राज चुनाव थे, आप सबने अच्छा सहयोग दिया, जिसकी वजह से वल्लभ नगर पंचायत समिति में अपना प्रधान बिठाया। आपके आशीर्वाद से कुराबड़ में फिर से प्रधान बिठाया, 7 में से 5 जिला परिषद सदस्य से आपने जीता के दिए, तो मेरी मेहनत में कहां कमी रही ये आप बताइए। मगर मुझे पता लगा कि इन लोगों ने वल्लभ नगर के अंदर आप सबकी जागृति की वजह से इन्होंने एक षड्यंत्र रचा, कहीं 70 साल की जो राजनीति है हमारी, ये जन शराब जाग उठा है कहीं छीन न ले। इस वजह से इन्होंने सिर्फ और सिर्फ पिछले 2 महीनों में इस उदयलाल को रोको एक अभियान चलाया। इस अभियान में वो सक्सेस भी हुए, मगर मैं धन्यवाद देता हूं हमारे दोनों प्रधान उप प्रधान और जितने भी जनप्रतिनिधि जीते थे, उन्होंने भी मेरा हौसला बढ़ा के रखा है और आज भी कंधे से कंधे मिलाकर साथ दे रहे हैं। मुझे ये भी मालूम है आप जो आज इसी तादाद में यहाँ पधारे हो, सिर्फ और सिर्फ इस वल्लभ नगर विधानसभा का एक दर्द महसूस कर रहे हो और आज सिर्फ और सिर्फ मुझे देख रहे हो कि ये इंसान कैसे क्या करेगा। आप बताओ भाइयों, ये चुनाव अपन को लड़ना है तो आप बताओ किस तरीके से लड़े। इन लोगों ने अभी एक और षड्यंत्र बना लिया है, टिकट उड़ा दिया कोई बात नहीं, मगर आप सबका आशीर्वाद, माताओं बहनों भाइयों दोस्तों आपके सब आशीर्वाद से, मैं जब घर से निकल रहा तो मुझे पता लगा और बताया अब तो ये आपस में गठबंधन भी कर रहे हैं, ये सब आपस में गठबंधन कर रहे हैं कि टिकट नहीं दिया उसको रोक दिया, मगर वल्लभ नगर की जनता उसको फिर से मैदान में ला रही है तो तीनों एक होने के लिए भी विचार कर रहे हैं। तो साथियों बताओ अब मुझे क्या करना है ये आप बताओ। लड़ दो